नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को आज बहुपद के 2.4 का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद 2.4 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, ये लास्ट पार्ट है और बहुपद आज खत्म हो जाएगा। इससे पहले सारे पार्ट आप सभी के लिए अपलोडेड हैं, आप सभी को अच्छे से देखिए। तो आपको लगभग दो चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया। एक का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरा नाम है बहुपद। तो बहुपद में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे और बिना टेंशन का, बिना बेझिझक का हम लोग डायरेक्ट सवाल करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यदि बहुपद एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ध्यान सुनना, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए और कॉमा a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी, a और a प्लस बी तीनों बहुपद है तो उसका a और b का मान निकालना है। तो ये देखिए, ये तीनों इसके शून्यक हो सकते हैं तो हम लिख सकते हैं बाबू अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। लिख दिए। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, b का वैल्यू होगा 3, c का वैल्यू होगा 1 और d का वैल्यू भी होगा 1। हम लोग रिलेशन अप्लाई करेंगे जो हम लोग को पहले से पता है। पहला द्विघात त्रिघात में होता है पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखो शून्यकों एक बराबर होता है माइनस बी बटा ए, मतलब क्या करेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा a और a प्लस बी, और माइनस b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है, 3 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। यहाँ से क्लियरली आप देखते हो क्या कि प्लस में है और ये माइनस में है b, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे a कितना है, 3a बचेगा, a कितना बच जाएगा, 3a बचेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, a से गुना में है तो किधर कर देंगे, भाग में, तो 3 से 3 कट के आंसर क्या मिलेगा, 1 मिल गया। a का वैल्यू क्या मिल गया, 1। हमको a और b का मान दोनों निकालना है। तो आगे टर्म में हम लोग क्या करेंगे, अगला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बाई ए, सॉरी माइनस d बाई ए, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, तो गुणा करना शुरू करेंगे a माइनस बी का, फिर किसे गुना करेंगे, a से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, a प्लस बी का। माइनस d का वैल्यू कितना है, 1 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। अब क्लियरली बुआ समझिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर क्या हुआ, माइनस 1। इसके आगे बढ़ो, a का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रखेंगे, और a का वैल्यू कितना रखें, 1 बराबर माइनस 1। फिर से यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 में किसी से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये प्लस में है तो उधर किधर चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2, दोनों तरफ माइनस कैंसिल होगा, बी स्क्वायर जब हटता है तो किस में आ जाता है, रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस कंप्लीट, यानी बी का वैल्यू आएगा एक बार प्लस रूट टू, एक बार आ जाएगा माइनस रूट टू। तो जिसकी हमें तलाश थी, ए का वैल्यू आएगा 1 और बी का वैल्यू आएगा प्लस रूट टू और माइनस रूट टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है जो बिना प्रॉब्लम को आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एग्जाम में पूछा भी हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है वो फॉल्ट लिख देता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, जिसको हम ऐच्छिक का नाम देते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जाम में कभी कल पूछ लेता है, इसलिए उस बात पे अमल ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, ये क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मैं लिख रहा हूँ, एक्स ए पावर 4 6 एक्स ए पावर 3 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 दिया है। कहने का मतलब एक बार प्लस में लेना है और एक बार किस में लेना है, माइनस में लेना है। अब मैं आपको
वो वाला कंडीशन याद करा दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस चर में दिया रहे और सभी शून्य ज्ञात करने हैं तो जो प्लस में दिया रहता है उस वैल्यू को हम लोग किस में लिखते हैं, माइनस में लेते हैं, और जो माइनस में दिया रहता है उस वैल्यू को हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में। यानी एक बार हम लोग प्लस में लेंगे और एक बार किस में लेंगे, माइनस में उसी वैल्यू को ले लेंगे। हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सजा लेंगे और इसको फार्मूला में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे x माइनस टू माइनस रूट अंडर थ्री, माइनस से गुना करा दिए और इसको लिखें x माइनस टू माइनस माइनस प्लस रूट अंडर थ्री। समझना, ध्यान से कैसे समझा रहे हैं इसको, x माइनस टू माइनस से गुना करा दिए, x प्लस थ्री यहाँ लिख दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस टू लिखे माइनस माइनस प्लस होता है। अब फार्मूला, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पे इसको अरेंज करो, इसको फैक्टराइज करो, बाकी कहानी खत्म। इस स्क्वायर से रूट का खात्मा होना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस तीन। एक्स स्क्वायर दो में दो से गुना करेंगे चार, दो का स्क्वायर चार, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक प्लस माइनस माइनस, तो चार में से एक घटा लिए तो बचा वन। हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट इस टर्म में आ जाते हैं जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन में किससे डिवाइड करेंगे, सिक्स एक तीन छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस 35 से। अब इसे इसमें क्या करना है, डिवाइड करने हैं और जो आंसर आएगा उसे हम सब गुना करा देंगे। देखिए इसका पावर x 4 है, इसका पावर x स्क्वायर, इससे इसमें काटेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर, इस x स्क्वायर से इसमें गुना करा लो, x पावर 4, चार में गुना कराएंगे तो माइनस चार एक्स स्क्वायर सॉरी चार एक्स क्यू, और x स्क्वायर में वन से गुना कराएंगे तो x स्क्वायर। सिंपल है, माइनस है प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, छः में से चार घटा लेंगे माइनस दो एक्स क्यू, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस सत्ताईस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस पैंतीस। हो गया। अब क्या करेंगे सो देखिएगा, इसका पहला पार्ट लेंगे माइनस दो एक्स क्यू, कट गया तो आंसर आएगा माइनस दो, इसमें गुना करेंगे तो आएगा माइनस दो एक्स पावर क्यू, माइनस माइनस होता है प्लस, तो चार दुना आठ एक्स स्क्वायर, और दो में एक्स से गुना करेंगे तो आएगा माइनस दो एक्स, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। सताईस में से आठ घटा लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सताईस आठ कितना होगा पैंतीस एक्स स्क्वायर, एक सौ अड़तीस दो जोड़ेंगे तो प्लस एक सौ चालीस एक्स, और माइनस कितना बच जाएगा पैंतीस। अब इसके पहले वाले पार्ट को जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस पैंतीस, और माइनस पैंतीस में गुना करोगे तो आएगा माइनस पैंतीस एक्स स्क्वायर माइनस एक सौ चालीस एक्स माइनस पैंतीस। हो जाएगा। ये चिन्ह बदल दीजिए, आंसर अपने आप कट जाएगा। ये जैसे ही कटा तो जो डिजिट हमको प्राप्त होता है उस डिजिट का हम लोग क्या करते हैं बाबू, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पैंतीस बराबर जीरो नहीं लेके इसका फैक्टराइज करो। अब जैसे ही द्विघात बहुपद मिला तो आप सभी को मैं पहले से बताया हूँ अगला गुणे पिछला करेंगे, अगला गुणे पिछला करने पर गुना करने के बाद जो डिजिट प्राप्त होगा उसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे दो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पाना चाहिए 35 और घटाने पर मिलना चाहिए 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सात में से पाँच घटा लिए बच गया 2, सात में पाँच से गुना कर लिए हो गया 35। इस मेथड को मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस मेथड को मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस सात में एक से गुना करूंगा सात एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाँच एक्स माइनस पैंतीस। ये चार डिजिट है तो दो को अलग करते हैं, दो को अलग करते हैं, दोनों में खोजें कॉमन क्या मिला, मिला एक्स माइनस सेवन, यहाँ पर मिला प्लस पाँच, यहाँ पर मिला एक्स माइनस सेवन। इसको इसको सटा के लिखूंगा तो मिला एक्स प्लस पाँच, इस दोनों में से कोई एक लूंगा मिला एक्स माइनस सेवन। एकाएक जीरो के बराबर कर लेते हैं तो प्लस में पाँच है तो माइनस में पाँच आएगा, ये माइनस सात है तो प्लस में आ जाएगा सात, आंसर हो गया जीरो। क्लियरली अगर आप देखते होइएगा तो यहाँ से मालूम चला हमको कुल शून्य या सभी शून्य अगर हम सभी को निकालना है तो सभी शून्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, सभी शून्य जो हम सभी का हो जाएगा उसका नाम है सभी शून्य जो हम लोग निकाल के दे रहे हैं वो एक्सटेंस में एक आएगा माइनस पाँच, एक आएगा सात, और ऊपर से पहले लिखा हुआ है टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट
थ्री। ये क्वेश्चन नंबर चार का आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर चार थोड़ा जटिल सवाल था, लेकिन मैं इसको बड़ी अच्छे से कोशिश किया हूँ कि मैं समझा दूँ। चार के बाद क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो पाँच है, वो क्वेश्चन नंबर पाँच का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गंदा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व कर दिया, उसको बाई बाई लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोला था के और ए का वैल्यू ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना है, जो बहुपद इस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेषफल दिया था एक्स प्लस ए, और उसका जो अरेंजमेंट जो जो सामग्री दिया था उसका मान से मैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स लिखा, एक्स फोर ये, और ये दोनों से भाग देना शुरू किया। अब कैलकुलेशन को जरा प्यार से समझो, समझना। इसका पहला जब लेते एक्स से पावर फोर होता है, इसका पहला लेते एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जब डालते तो करता आंसर आता एक्स स्क्वायर, जो आंसर आता है उससे इसमें गुना कराते थे, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कराएं तो एक्स से पावर फोर, माइनस चार में दो से गुना कराएंगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दो में एक से गुना कराएंगे तो दो एक्स क्यू, और दो में के से गुना कराएंगे तो दो के स्क्वायर, चिन्ह बदल देंगे, माइनस को जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो छः में से दो घटा लिए कितना मिला, माइनस चार एक्स क्यू मिलेगा, और यहाँ पे देखो सोलह में से के घटा लेंगे और एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो लिख लेंगे, ऊपर से बचा माइनस पच्चीस से ऊपर बचा दस तो उतार लेंगे। अब इसका पहला लेंगे तो बाबू इसका होगा माइनस फोर एक्स क्यू, इसका पहला लेंगे एक्स स्क्वायर, काटेंगे तो आंसर आएगा माइनस फोर एक्स, इस माइनस फोर एक्स इस तीनों में गुना कराएंगे देगा माइनस फोर एक्स क्यू, चार दुना होता है आठ एक्स स्क्वायर, और माइनस चार में जब इससे गुना करेंगे एक्स से तो होगा चार में गुना करेंगे तो माइनस चार के एक्स। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखते हो घटाने जाएंगे तो सोलह में से आठ घटाएंगे आठ, और माइनस के हो जाएगा तो माइनस के लिख दिए, उसके बाद माइनस पच्चीस और के एक्स दोनों मिल रहा है तो 25 में से घटा लेंगे तो माइनस पच्चीस और प्लस चार या चार के माइनस पच्चीस लिख दिए, और दोनों में एक कॉमन मिला तो एक्स लिख लिए, और प्लस दस ऊपर बचा तो उतार लिए। फिर इसका पहला लेंगे तो ये दोनों काटेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा आठ माइनस के, और आठ माइनस के में इससे गुना करेंगे आएगा आठ माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर दो से गुना कराएंगे तो दो इंटू आठ माइनस के एक्स लिखेंगे, और के से गुना कराएंगे तो के इंटू आठ माइनस के, कंसेप्ट क्लियर है। ये माइनस होगा दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको जरा समझना है लोचा, यहाँ पे कैलकुलेशन बउआ रे फोर के माइनस पच्चीस लिख दिए, फोर के माइनस पच्चीस यहाँ प्लस का सिंबल है तो लिख दिए प्लस, आठ दूना कितना होता है सोलह, और दो में के से गुना करेंगे तो दो के, और बाहर एक से है तो बाहर एक से लिख दिए, यहाँ से तुम देखना माइनस के आठ माइनस के उतार दिए, प्लस दस है तो उतार दिए। अब चार के में से दो के घटाओगे, दो के पच्चीस में से सोलह घटाएंगे माइनस नौ के एक्स, और माइनस आठ के माइनस ए। अब तुम देखो इस चीज़ को कंपैरिजन कराना है, आपको क्वेश्चन में दिया था चूंकि शेषफल एक्स प्लस ए है, तुलना करेंगे तो ई वाला पार्ट एक्स होगा, ई वाला पार्ट ए होगा, ई वाला पार्ट एक्स होगा, ई वाला पार्ट ए होगा, तो एक्स बराबर दोनों का कोएफिशिएंट क्रिएट करेंगे तो टू के माइनस वन, एक्स से आगे वन है कोएफिशिएंट इसलिए टू के माइनस वन के बराबर वन लिख दिए, ई माइनस में तेने प्लस में जाएगा नौ गो दस गो, ई गुना में तेने भाग में आएगा तो दस में दो से भाग दिए आंसर आ जाएगा पाँच। और फिर ये माइनस के जब इसका अरेंजमेंट होगा तो देखो अब ई ए के बराबर होगा तो माइनस के आठ माइनस ए प्लस दस ए के बराबर था, के का वैल्यू आया पाँच तो बैठा दिए पाँच, आठ में से पाँच ये कितना होगा तीन, तीन में पाँच से गुना पंद्रह और प्लस दस, तीन में से पंद्रह में से पाँच घटाएं कितना जाएगा माइनस पाँच, तो अतः के का वैल्यू पाँच होगा और ए का वैल्यू माइनस पाँच होगा। इस प्रकार आप सभी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी को दिक्कत ना हो, और क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा। इस प्रकार आप सभी का बहुपद फिनिश हो गया। अब आप सभी के बाद बहुपद के बाद अगला जो चैप्टर आता है वो आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक अपने अंदर ऊर्जा लेकर के इन सब चीज़ों से और फिर क्या करूँ नए वीडियो की तरफ बढ़ूं। एक बात मैं इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन के रूप में कह दे रहा हूं आपको कि कमेंट मेंशन जरूर कीजिएगा कि अगर हमसे किसी चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत हो तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम इसके बाद अगला जो चैप्टर शुरू होने वाला है वह शुरू होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इस चैप्टर में एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए चैप्टर को भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुनपुर, बहुपद फिनिश।